वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 1 मई 2021 और 1 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीयू, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, तो बिहार के सभी कम्पिटेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जितने भी वीडियो चैनल पर अपलोड होते हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। जो भी प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखे हैं जाइए प्लेलिस्ट पे, सभी वीडियो अरेंज है, आप वहाँ पे सभी वीडियो को देख सकते हैं और वीडियो को डिस्क्रिप्शन से इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में कोरोना के खिलाफ निम्नलिखित में से किस राज्य ने योग से निरोग अभियान शुरू की है, तो कोरोना के खिलाफ अभी हाल ही में योग से निरोग अभियान की जो शुरुआत की गई ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का यहाँ पे राइट आंसर किया है, सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी चल रहा है मई माह, तो अभी आज है 1 मई, तो 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। जैसे जैसे ये डेट आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मैं प्रमुख दिवस व तिथियां जो भी इंपोर्टेंट होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से वो सभी आपको बताता चलूंगा। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर, एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और इस वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में कोरोना खतरे को देखते हुए मनरेगा में काम करने वाले कितने वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब यहाँ पर मनरेगा के तहत काम करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये कोरोना संक्रमण को देखते हुए ये फैसला किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको बता दूं कि अभी हाल ही में बिहार सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए मनरेगा में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अब काम करने पर पाबंदी लगा दी है। ये ध्यान रखना आपको, 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए ये पाबंदी लगाया गया है, लेकिन इसके साथ ही इससे कम उम्र के वैसे मजदूरों को भी काम पर नहीं लगाया जाएगा जिसकी सेहत खराब हो। ये ध्यान रखना आपको, मतलब कि 60 वर्ष से कम उम्र के वैसे लोगों को काम पर मतलब पाबंदी लगाया गया है जिसकी सेहत में मतलब कह सकते हैं कि सेहत उसका खराब हो। देखिए, अभी जो समय है ये काफी ज्यादा क्रिटिकल समय, ये जो सिचुएशन है ये कह सकते हैं ये एक संक्रमण के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, ये एक महामारी है। तो इस वजह से ये फैसला लिया गया है ताकि ये संक्रमण का खतरा कम हो सके। तो इस वजह से अभी हाल ही में 60 वर्ष से अधिक मतलब जो भी लोग हैं 60 वर्ष से अधिक है उम्र के उनको मतलब कि मनरेगा के तहत काम करने पर पाबंदी लगा गई है। और साथ ही वैसे लोग जो 60 वर्ष से कम उम्र के हैं, जो अगर किसी प्रकार से किसी रोग से ग्रसित है या फिर उनकी सेहत खराब है, तो उसे भी मतलब यहाँ पे काम करने से वंचित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और फिर इसके आगे कि वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव अरविंद चौधरी हैं, तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात आई है बिहार की, तो बिहार से संबंधित कुछ चीजें हैं जिसे आपको देख लेना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिहार से रिलेटेड सभी चीजों को यहाँ पे एक बार पुनः मैं आपको बता दूं, ये मैप में बिहार की स्थिति है और बिहार की जो चौधरी है उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। बिहार की राजधानी है पटना, राज्यपाल फागू चौहान अभी वर्तमान में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्य के पक्षी गौरैया, अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये आपको ध्यान रखना है। और राज्य के पशु बैल, राज्य के वृक्ष पीपल, राज्य के फूल गेंदा, जनसंख्या घनत्व जो है बिहार के ये 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल है। जब झारखंड का बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो उस समय झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था संपूर्ण बिहार और झारखंड की भूमि का 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और बिहार की प्रथम जो राजभाषा ये हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा उर्दू है, ये आपको ध्यान रखना है। और विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें बिहार में है। और आप जो इस इमेज में देख रहे हैं ये बिहार का राजकीय चिन्ह है, दो स्वास्तिक के बीच में बौद्ध वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, दूसरा नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार में कोरोना संक्रमितों के लिए उपयोगी इंजेक्शन रेमडेसिविर के कितने बॉयल बिहार पहुंचा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 14,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन के बॉयल बिहार पहुंचा है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। केंद्र सरकार ने 19 राज्यों के लिए दिए गए आपूर्ति को मंजूरी के तहत बिहार के लिए 24,604 रेमडेसिविर की भी मंजूरी दी थी और इसके तहत अभी हाल ही में 14,000 बॉयल रेमडेसिविर विशेष विमान से बिहार पहुंचा है, ये आपको ध्यान रखना है। 14,000 अभी पहले चरण में ये भेजा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है 14,000 इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर इस पेड ग्रुप के अंतर्गत वो तमाम चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है जो प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगा जो कि नेक्स्ट संडे को, ये 17वां सेट आपको पेड ग्रुप में देखने को मिलेगा। ये जो टेस्ट सीरीज है ये फुल लेंथ प्रैक्टिस पेपर होगा जो कि हिंदी में होगा फिलहाल, ये आने वाले समय में इंग्लिश में भी आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा लेकिन अभी फिलहाल ये हिंदी में होगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन यानी कि टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आपको
प्रोवाइड किया जाएगा। ये सभी आप एक्सप्लेनेशन सहित पीडीएफ में देखेंगे, जिससे आपकी तैयारी काफी ज्यादा मतलब कि अच्छी हो जाएगी। अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा, तो इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक आप देखें। चलिए यहाँ पर आप बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य बढ़ाया है और इसके तहत अब बिहार सरकार कितने लाख टन गेहूं खरीदेगी। देखिए ये प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 लाख टन। इसके बारे में आपको बता दूं कि बिहार सरकार गेहूं की खरीद का लक्ष्य पहले 1 लाख टन था। ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के जो गेहूं खरीद का जो लक्ष्य था पहले, मतलब अब से पहले, ये 1 लाख टन था, जो कि अब इसे बढ़ाकर 7 लाख टन कर दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये बढ़ाकर अभी हाल ही में 7 लाख टन किया गया है। अब तक का यह सबसे बड़ा लक्ष्य होगा, जो कि सहकारिता सचिव वंदना प्रियांशु ने अभी हाल ही में इस खरीद की समीक्षा की है और अधिकारियों के लक्ष्य के अनुसार खरीद का दिशा निर्देश भी दिया गया है अधिकारियों को। तो ये आपको ध्यान रखना, ये लक्ष्य जो था ये 1 लाख से बढ़ा करके, यानी कि 1 लाख टन से बढ़ाकर अब ये 7 लाख टन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इतनी सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखते हैं। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में यानी कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बिहार के कितने जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 जिलों में। अभी हाल ही में बिहार के 3 जिलों जिन्हें कि मुंगेर, किशनगंज तथा सुपौल में भूकंप के झटके महसूस किए गए और इस भूकंप की जो रिक्टर स्केल पर तीव्रता थी ये 6.4 बताई गई, यानी कि 6.4 बताई गई, और भूकंप का जो केंद्र था ये असम का सेनितपुर बताया गया था और भूकंप का प्रभाव असम सहित उत्तर बंगाल में भी महसूस किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना कि बिहार में 3 जिले में ये झटके महसूस किए गए, जिनमें की मुंगेर, किशनगंज और सुपौल शामिल है। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। ये प्रश्न वीसी का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जबकि भूकंप जिस पैमाने पे मापा जाता है उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है, रिक्टर स्केल कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं करना है आपको। देखिए यहाँ पर कोई चीजें है, मतलब कई चीजें ऐसी है जो आप यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है। भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है, जबकि भूकंप जिस पैमाने पे मापी जाती है उसे रिक्टर पैमाना कहा जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न पे। चलिए अगला प्रश्न, पांचवा नंबर प्रश्न की हाल ही में बिहार सरकार द्वारा मनरेगा योजनाओं के लिए कितने करोड़ राशि जारी की गई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अभी हाल ही में मनरेगा योजनाओं के लिए बिहार सरकार के द्वारा 1532 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके बारे में आपको बता दूं कि हाल ही में ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा योजनाओं के लिए 1532 करोड़ रुपया जारी किया है। कोरोना के संकट के चलते दूसरे राज्य से लौट रहे कामगारों को मजदूरी और सामग्री के मध्य में राज्य सरकार ने यह राशि मतलब जारी किया, यानी यह राशि दे रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 1532 करोड़ रुपए मनरेगा योजनाओं के लिए अभी हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर है। उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज के बारे में, एक बार पुनः आपको बता दूं, अगर आपसे ज्वाइन करने के इच्छुक हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पर pre-21 लिख के मैसेज करना है। इसका जो फी है ये 399 रुपया है, ये वन टाइम पेमेंट है, जो कि 31 दिसंबर 2021 तक के लिए वैलिड होगा। ये ग्रुप आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर बैठे बीपीएससी परीक्षा, जैसे कि 67वीं बीपीएससी प्राइवेट परीक्षा होगी, बीपीएससी सीडीपीओ होगा, अगर इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप किसी डेडिकेटेड ग्रुप को ढूंढ रहे हैं तो इस ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है वो एकदम से अच्छी क्वालिटी का होगा। हमारे स्टूडेंट से पूछें, जो भी हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन किए हुए हैं, आप चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर किसी से अगर आपका संपर्क है तो आप वहां से भी मतलब इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। जो भी मटेरियल आपको मिलेगा अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, अच्छी गुणवत्ता का मिलेगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं होगा। अगर आप हम पर ट्रस्ट करते हैं तो हमें ज्वाइन कीजिए। अगर देखिए यहाँ पर बात आती है कि अगर आप डेमो पीडीएफ चाहते हैं तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे pre-21 लिख के मैसेज करें, आपको यहाँ पर डेमो पीडीएफ मिलेगा। उसके बाद आप निर्धारित कीजिएगा आपको लेना है या फिर नहीं। ये तमाम चीजें आपको अच्छी क्वालिटी का यहाँ पर अवेलेबल कराया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप जल्दी से ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए काफी ज्यादा उपयोगी होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, छठा नंबर प्रश्न की हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत अगले वर्ष दिसंबर तक हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेघालय सरकार के द्वारा ये अभी हाल ही में घोषणा की गई। हाल ही में मेघालय सरकार ने अगले वर्ष दिसंबर तक हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने की योजना बनाई है। मेघालय में 60,000 ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें से अब तक 16% ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। हर घर जल का उद्देश्य देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना है, ये इसका उद्देश्य है, और यह लक्ष्य पूरा करने के लिए 2024 तक का समय तय किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी हाल ही में ये जो निर्णय लिया गया है ये अभी मेघालय सरकार के द्वारा लिया गया है कि अगले वर्ष दिसंबर तक हर घर में जल पहुंचाना है, स्वच्छ जल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, मेघालय इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे बात आई है मेघालय की, तो ये आप मैप में देख सकते हैं, ये मेघालय की स्थिति है। मेघालय पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बादलों का घर।
या कोई ध्यान रख रहा है, पर भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान पूर्व का स्कॉटलैंड किस राज्य को कहा जाता था, तो मेघालय को ही पूर्व का स्कॉटलैंड करके संबोधित किया गया था। मेघालय पहले असम राज्य का ही भाग था। 21 जनवरी 1972 को असम के खांसी गारो और जयंतिया पर्वतीय जीरो को काटकर नया राज्य मेघालय अस्तित्व में लाया गया था और यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और इसके अलावा अन्य मुख्यतः बोली जाने वाली जो भाषाएं खांसी गारो पनार ब्याट हजोंग एवं बांग्ला और आंशिक रूप में हिंदी आती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो मेघालय की राजधानी है ये शिलोंग है जो कि राज्य का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ के जो राज्यपाल है वर्तमान में ये सतपाल मलिक है और मुख्यमंत्री कॉनराड शर्मा है। तो इतनी सारी आपको महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ से याद रखनी है। और फिर इसी में आगे लिखा गया है कि मिजोरम के लुंगलई और आयजल जहाँ की जंगल की आग वर्तमान में उग्र है, यानी कि जिसके बारे में ये प्रश्न था, तो यहाँ की जो आग अभी वर्तमान समय में उग्र है, फॉरेस्ट फायर डिजास्टर मैनेजमेंट रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत में सबसे अधिक आग वाला क्षेत्र है। 2013 से 16 के बीच अब तक लुंगलई में 13,453 बार आग लग चुकी है। ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में मतलब सबसे अधिक आग वाला मतलब उग्र वाला क्षेत्र है, आग वाला जो सर्वाधिक मतलब आग लगने वाला ये क्षेत्र है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही आंसर था ये मेघालय और मिजोरम, यहाँ पे दोनों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो फाइनल आंसर जब इस प्रश्न का बनेगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही के एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये है प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की जनसंख्या में 7.4% की वृद्धि हुई है। सही आंसर जो होगा इस प्रश्न का ये होगा ऑप्शन नंबर ए, 7.4% की वृद्धि हुई है और इस प्रकार अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, अमेरिका 7.4% यहाँ पे वृद्धि हुई है जनसंख्या में। चलिए उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। उससे अगला प्रश्न जो यहाँ पे होगा ये होगा 9वां प्रश्न कि हाल ही में श्री राजेश बिंदल को निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। श्री राजेश बिंदल को निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये होगा कोलकाता उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 223 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति श्री राजेश जिंदल को, यहाँ पे देखिए बिंदल नहीं बल्कि जिंदल होगा, यहाँ पे मिस्टेक से बिंदल लिखा गया है, तो न्यायमूर्ति राजेश जिंदल को कोलकाता उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है न्यायमूर्ति राजेश जिंदल जो कि अभी हाल ही में कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए हैं और ये इन्होंने 19 अप्रैल 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया है, 29 अप्रैल 2021 को अपना पदभार ग्रहण किया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ये कोलकाता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बनाए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए किस राज्य में स्टार लाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट चलाने की अनुमति दे दी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में। इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने वेदांता लिमिटेड को मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन करने के लिए तमिलनाडु में स्टार लाइट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट चलाने की अनुमति दे दी है। देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि स्थानीय लोगों के विरोध के बाद 2018 में तमिलनाडु सरकार द्वारा इस प्लांट को बंद किया गया था, जिसे कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे पुनः चालू करने का मतलब फैसला किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, तमिलनाडु। अब इस बार बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश की सरकार ने माऊ डॉल्फिन को खोजने के लिए प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के साथ मिलकर AI आधारित एक ड्रोन तैनात किया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में न्यूजीलैंड और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों ने मिलकर के AI आधारित एक ड्रोन तैनात किया है जो कि माऊ डॉल्फिन को खोजने और ट्रैक करने के लिए सक्षम है। माऊ डॉल्फिन जो है ये दुनिया की सबसे दुर्लभ और छोटी डॉल्फिन उप प्रजातियों में से एक है। यह केवल न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के पश्चिमी तट में पाई जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूजीलैंड के साथ मतलब ये मिलकर ये मतलब कि मतलब इसे तैयार किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को 2021 के लिए संशोधित कर पहले से 11.8 के पूर्वानुमान से कितना प्रतिशत कर दिया है। तो ये बढ़ाकर अभी 12.4 किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भारत की GDP वृद्धि के अनुमान को 2021 के लिए संशोधित कर पहले से यानी कि 11.8 के पूर्वानुमान से 12.4% कर दिया है। तो यह आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के द्वारा ये किया गया।
अब यहाँ पे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न की बिहार में पीएम केयर्स फंड के अंतर्गत कितने जिलों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए जाएंगे, इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, आप चाहे तो इसके बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं। और रही बात जनवरी फरवरी और मार्च, ये तीनों महीने के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर अप्रैल माह का करंट अफेयर्स जल्द ही मतलब अपडेट होगा, तो आप बने रहे। अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल आपको पेड ग्रुप के अंतर्गत मिलेगा वो एकदम से अच्छी क्वालिटी का मिलेगा। आप एक बार डेमो पीडीएफ मंगा के देख लीजिए, उसके बाद आपको ज्वाइन करना ना करना वो बात की बात है, आप देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको समझ में आए तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो को कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।